इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। राजधानी तक न्यूज चैनल में प्रकाश सीट, लगातार जनहित में खबर को महत्व दिया गया भाजपा सहित कांग्रेस द्वारा और निर्वाचन आयोग द्वारा। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश तिवारी जुड़ चुके हैं। बताएं राजेश जी, कांग्रेस के ताजिया इस तरह से ठंडे हो गए जी कि मीडिया जगत का राजेश है, आए दिन जनपद पंचायत सिवनी द्वारा अपनाई गई भ्रष्ट कार्यप्रणाली और खासकर सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के ग्राम में ग्रामों में जहां विधायक क्षेत्रीय विधायक द्वारा विकास कार्य की गंगा बहाई गई है, इस बात से न सिवनी वासी इनकार कर सकते और न मीडिया जगत। हाँ, जनपद पंचायत सिवनी में जैसे अभी मैंने एक समाचार निकाला था कि यही वहाँ मार्केट बनाया गया बेरोजगारों के लिए, तो उनके वो ताजिए भी अब ठंडे हो गए कि हमें रोटा कमाने को मिलेगा, क्योंकि इनकी सोची समझी रणनीति थी कि कांग्रेस समर्पित थी बेरोजगारों को वो दुकानें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दी जाएंगी, क्योंकि अगर भाजपा सोच भी लेती तो वो क्षेत्रीय विधायक की इन दो बेरोजगारों को दे देती कि भाई हमारा क्षेत्रीय विधायक, बाकी जो बेरोजगारों ने आशा लगाई थी ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये उदाहरण दे रहा हूँ पानी की, यहाँ हमें दुकान मिल जाएगी, भाजपा के अब युवा भी कायल है तो उनने सोचे थे यार कि ये दुकानें हमें भी अधिकृत करा दी जाएंगी। जब अच्छे से हिमाती प्रतीक्षा राजपूत जी, इनके पति ब्रजेश राजपूत जी भी सरपंच मैदान में है और थे, मतलब अभी मैंने जानकारी नहीं उठा पाया हूँ कि वो उस पंचायत में कौन है, मैं पता करके आपको उसमें भी खबर प्रकाशित करूंगा। तो प्रतीक्षा राजपूत जी के भले ही भाजपा से अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर ये बात तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की दुर्गति से वे छोटे थी। आज मैं लगभग 3 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आपके जनपद पंचायत छपारा की, तो ये सिवनी की, मैंने किसी कांग्रेसी नेता को मतलब मंच में जगह देना प्रत्यक्षा राजपूत जी ने मतलब मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की प्रतिष्ठा जो आज मैं लगातार उसके गाने सुन के लिए जाता हूँ, मैं चाहता तो योगेंद्र बाबा के लिए भी जा सकता था, लेकिन योगेंद्र बाबा जो विधायक है, हालांकि दिलीप राय जी से जैसे मेरे संबंध है तो युगन बाबा तो बल वरिष्ठ जन है आपके क्षेत्रीय विधायक के, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। वजह कि आपके विधानसभा आपकी आज लखनऊ दौर हो गई, घनसौर से दल जब बोर्ड विधायक रहती थी तो देवी ठाकुर हरवंत सिंह से कम नहीं थी, इस बात से जनमानस माना नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी भी लोकप्रियता आपके प्रदेश स्तर से लेकर केंद्र तक थी। तो भाजपा शासन काल में ऐसे कांग्रेस से उपेक्षित, जैसे हमारे अनुसुईया उइके जी को राज्यपाल बनाया वहां का छत्तीसगढ़ का, बजे कि वो कांग्रेस की रणनीति और ये परिवारवाद से अक्सर छुपते रहती थी। उन्होंने फोन में कहा था कि जो महिलाओं को राजनीतिक रूप से बोला जाता है तो महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, जैसे उमा भारती, उनको आपने ऐना दिखाया, कांग्रेस को मूर्ति खानी पड़ी, वो उनका विवेक कहाँ चला गया था कि मैं बाबूलाल जी को अपना पद दे दू और दोबारा मांगी तो बाबूलाल जी मेट गए, पंडित कहा गया आप अपने मुखिए पंडित थे, मैं बार बार उन्हें किए रहा था तो बाबूलाल गौर जी मेट गए, पंडितों में ये स्वभाव है माता सीता का कि इनकी आत्मा नहीं लगेगी,
बाकी सभी ब्राह्मणों में नहीं है, कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो हमारे आशुतोष शर्मा जी हो गए, पंडित दीनदयाल के नाम से भाजपा चल रही है, आज तो ऐसे होते वो तो जनहित की बात क्यों करते। और आज जवाहरलाल नेहरू चैनल का मुखिया हमें इतना क्यों बोलने देता, अगर उसको भाजपा से मुंह रहता या कांग्रेस से, उसको भी कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं आती होगी, उनका न्याय संगत बात करता है। हमारे जिला गुरु शिवनी भले कम पढ़ा लिखा है लेकिन अनुभव की बात तो करता है। तो मैं बता दूं आपको, बाबूलाल गौर ने जो नाटक किया उसका परिणाम ये निकला कि आज शिवरात्रि नहीं आए, मतलब किसी का भी अंत होता है तो उदय किसी अच्छे व्यक्ति का होता है। तो आज अटल बिहारी जी वो योग्य थे, बाकी वो लोहा तो ले रहे थे। आज इतिहास में तो लिखा गया है कि स्वर्गीय अंबानी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब चुनाव हार चुके थे तो वो योग्य कांग्रेस के नेता, आज लांछन मैं भी लगाता हूँ कि वो गांधी जैसे हुए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है और पार्टी का है। लेकिन इंदिरा गांधी जी सम्मानी ने जो निर्णय लिया कि जब तक विपक्ष में कोई जुझारू नेता नहीं होगा, केंद्र हो या प्रदेश में कांग्रेस सरकार ढंग से काम नहीं करेगी, और अगर विपक्ष में कोई नेता ही नहीं होगा तो मैं कितनों सर भटक लू जनमानस के उत्थान के लिए, लेकिन ये मेरे आते समाज में कुप्रथा टाइप की कि उसी गांव में पंडित भी रहते हैं, छत्री भी रहते हैं सब। अब तो भी एक बेकार सी बात कह के निकल गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिष्ठा लग गई था, उन्हें अग्नि पर चली तो पता लगा सीता को भी खो बैठे, और अग्नि ने उन्हें उस योग्य बनाया सीता जी को। या हम जैसा बेवकूफ आदमियों ने कहता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी जो एक गंगा पर की तरह भांति पवित्र थी, आज बोलते हैं तुलसीदास जी हो या कबीर जी हो या योग्य पंडित हो, वो बोलते हैं कि माता सीता से शोध करिए आप आज की नारियों पर। तो जब उदय होता है तो अपने प्रेरणा स्वरूप तो होता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरणा मिली। अब लोग कहते हैं यार उन्हें कर, आपके आडवाणी जी नाराज थे तो क्या आप इंदिरा गांधी जी से कांग्रेसी नाराज नहीं थे, मगर विरोध उसी का होता है जिसमें योग्यता होती। अब नरेंद्र मोदी जी भले कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता से कोई नहीं जलता भाजपा का, तो मैं मानने को तैयार नहीं, मैं टेस्ट उदाहरण दे दूंगा भाजपा के नेताओं में कि ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से जलते हैं। जैसे हमारे दिनेश राय जी की लोकप्रियता था आपके नीपाल के नपोता के खाल सिंह की, कुछ स्टार प्रवासी के कई है हमारे बिहार अवलन वाले। तो मतलब हर व्यक्ति की लोकप्रियता से आगे चलता है। तो जहां पर शिक्षा राजपूत जी इन कांग्रेसियों को समझ गई थी, जब ये हमारे पूर्वज ठाकुर हरवंश सिंह जो आपके संस्कार महाकौशल से लेके मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश भी संस्कार धानी का यहाँ से संस्कारों का उदय हुआ है। आज क्या नहीं है, उज्जैन में महाकालेश्वर है, माता आपकी पवित्र नर्मदा प्रवाहित होती है, पवित्र पैनगंगा प्रवाहित होती है, आपके होशंगाबाद से लेके जबलपुर भेड़ा घाट तक जो नजारा आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा धुआंधार। तो ये संस्कारों का घर मध्य प्रदेश जिनमें स्वामी स्वरूपानंद जी जैसी चीज हमें दी, आज हमें लोग उनमें लांछन लगाए, तो वो खिलाफत तो करते हैं, वो खिलाफत साईं भगवान की नहीं करते, वो गद्दार किस्म के लोगों की करते हैं। भलाई साईं जी अपनी जगह ठीक थे तो फिर स्वामी स्वरूपानंद जी पे लोग क्रोध निकालते हैं कि भाई हमारे साईं जी को कहते
एक्चुअल स्वरूपा नैन जी साईं जी को नहीं देखती। उनका मैंने सोच किया कि वो इस समुदाय को घेरते हैं जो हमारे हिंदू संस्कारों को नष्ट करने में तुला है। तो कुल मिला के कहानी इतनी अच्छी और कुछ नहीं। तो प्रत्यक्ष राजपूत जी जहाँ आज तक राजकुमार खुराना को उन्हें निमंत्रण नहीं दी, अब योगेंद्र बाबा को दे सकती थी, वो योग्य थे, मगर उन्होंने सोची कि अब योगेंद्र बाबा को बुलाएंगे तो राजकुमार खुराना जी को बड़ा लग जाएगा, और अगर आज आप कांग्रेस का कुछ बचो नहीं और सत्ता तो चलोगा और वो रह तो वो है कोई विपक्ष को ना बुला तो वो तो राजता फैला तो लाई नहीं लगती। सुन लो हकीकत और जो राकेश वाल जी आज जीते हैं सिर्फ हमारे दादा के सभी गुण ले लिए हैं कि यार ऐसी रणनीति रास्ता था या बेजहूता था गोंडवाना तक में भेजे तो सीख लिए मगर उनके पुत्र ने सीख पाया। हकीकत कह रहा हूँ रजनीश को मैं बड़ा भाई कहता हूँ जबकि वो उम्र में छोटे। मैं चेहरों आदम से कहता हूँ और दो चार लोगों के बीच में ही लोग की समझ बचा लू। हाँ मैं मानता हूँ एक दो लोग बहुत अच्छे हैं, उनकी अमित छवि है छपारा में, लेकिन उनकी छवि भी धूमिल हो रही है उन दो चार अतिरिक्त लोगों के साथ उनकी, जबकि उनका अतीत क्या है समूचे जनमानस जानता है। तो प्रत्यक्षा राजपूत जी जो कांग्रेसियों को नहीं बुलाती थी उनकी उपेक्षा और वो बात करती थी विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक कप्रिय सरपंच आप ले लीजिए छतरपुर डोली छतरपुर ले लो आप या आपके यादव जी हैं तो ऐसे सरपंचों के सचिव और आपके सरपंच सिर्फ क्षेत्रीय विधायक का गाना गाते नहीं थकते जबकि वो है कांग्रेस संपर्क। मैं हकीकत बता रहा हूँ और लाभ भी वो प्रत्यक्ष राजपूत को पहुंचाते रहे। तो आज उनके दिल में जो मोतीचूर के लड्डू फूट रहे हैं, क्यों फूट रहे हैं कि भाई आप भाजपा समर्पित व्यक्ति आपके जनता क्षेत्र का अध्यक्ष का पद है संभालेगा तो जो दिनेश राय जी कहेंगे वो अध्यक्ष करेगा तो आप जो वही काम करेगा जो दिनेश राय जी की मंशा रहेगी क्योंकि अब दिनेश राय जी तय कर रहे हैं कि कहाँ किसको बिठाना है क्योंकि मेरी लोकप्रियता तो मैंने हासिल कर ली लेकिन इन जनपदों में जिला जनपदों में या पंचायतों में या नगर पंचायतों में जो प्रत्याशी बैठेगा वो प्रत्याशी सिर्फ विकास की लगा है हमारे जिले में रुपया कौन नहीं कमाता साफ भ्रष्टाचार बजट की भाजपा का दामन साफ है। आज अपन कांग्रेस को ब्लेम करते हैं तो अगर 100% कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त थी तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता कि भले नरेंद्र मोदी और प्रदेश का मुखिया बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ हो लेकिन ऐसे भी हैं जो सरकारी कार्यालय में जाके आप एक वैसे करते दिनेश राय के नाम पे जबकि वो अधिकारी जानते हैं कि ये 100 रुपए भी हमसे ले जा रहा है तो जो 10 पैसे भी दिनेश को देते हो तो नहीं देते बजे कि अगर इनकी हमने उपेक्षा कर दी है तो ये दिनेश को भड़का देंगे और हमारे गोबर टाइप के गणेश सब समझते हैं मगर अधिकारियों की बात मानना पड़ेगा कि भाई अधिकारियों से काम भी लेना और भाजपा से भी काम लेना अब चुनाव मैदान में उनके किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी चुनाव प्रचार में पड़ेगी तो ये विवेक सब में होता है। तो जो विचार जो प्रकाशित राजधानी खबर से लोगों को जागरूक कराया गया कि एक प्रथम ये ब्रजेश राजपूत जी की पंचायत ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन का कोटा कैसे पूरी कर ली ऐसा शोध किसी ने नहीं किया। आप वो चिकित्सक जानते थे क्षेत्रीय विधायक का करीबी है कौन प्रत्यक्ष राजपूत जी के पति तो उन्होंने चीनी की वैक्सीन जो आती थी कोटे की वो तक उस ग्राम पंचायत में मुहैया कराया। क्यों कराया कि भाई ये अक्सर दिनेश राय जी के साथ देखा जाता है और दिनेश राय जी इसको पता नहीं क्यों वहां पे देते हैं
अब वो क्यों वहां तस्वीर में गए बताए तक नहीं कि वो अगर कहाँ बैठो अब भाई डांटता होगा कुछ इतना तैयार के है। अब भैया कहाँ बैठो, रानीताल में बैठो, ऑफिस में बैठो, कहाँ बैठो है, अखियाज में भाजपा वाले ढूंढ रहा है और कांग्रेस वाले भी दद्दा हमारी को कलर से और चला न्यूरो तक की नहीं उठा रहा जब रोज गाना जा रहा हो कि वो डांटता तू इस काम का रहा रुक है खाली तुमको मूड आए और नहीं तो मैं अपने बोलता हूँ मैं जहाँ हूँ पसीने छोड़ दो मैंने ये चीज चल रही तो भगो आ जाए जितने बच्चा आदमी है मैं तो सब जान बूझ कर आधा एक हफ्ता फोन नहीं लगा रहा तो मगर जान बूझ कर फोन लगाओ और अच्छा मैंने चिल्लाओ ठाक है इस बार फिर चिल्ला तो मेरा मतलब साफ मेरे को हंसी आती चल के फोन देते हुए क्योंकि दिल की बात से बोलता हूँ मैं तो प्रत्यक्ष राजपूत जी को हरकतों को मंगाल तो कांग्रेस को नहीं घास नहीं चाहती तो बेबी पीली थी कि शोहरे जी लगे रहो मुन्ना भाई। अच्छा भाजपा की बात है तो भाजपा की भी गाल जनपद सीनी में नहीं गली क्यों नहीं गली पिता जानक थी कि जेद में सदा की अपनी आवा है और वह सीओ के बोल कर थी ये भी बखत है का है भाजपा की दाल नहीं गली कांग्रेस की दाल नहीं गली पता लगो बाली की बात बेचारी उनने चुनाव निर्वाचन आयोग से देखो कांग्रेस जी के पक्ष में नहीं है और भाजपा भी और लगा है योद्धा हमारा दिनेश राय का बल्कि छीलन जब वो दरबार में गया तो तू काहे भी इस पर हो कि हार के अपनी रिश्तेदार आए तेरी छपा लो अनुग्रह ले रहा हूँ उन्हें छपा लो भाई ठाकुर ने आए दिन क्या राजेश सोच रहे वो अपने भाभी ने उनको कहा कर लो और भी पहले दरों ने को नेता करा था ना दिक्कत जाए वो हमारो विधायक रात दिन सो नहीं रहा हो चीनी के विकास के लाए और क्या पाजी करना जा रहा है तो कुल मिला के कहानी इतनी है आजकल आदिवासी बैठ गया वहाँ तो जे प्रत्यक्ष राजपूत जी के ताजिए संडे हो गए अब जो घर में अब इनके भैया संपन्न है अब जनता का अध्यक्ष नहीं है तो गैर जी हो कोई चीज हो दुनिया भर की चीज हो मगर ये कहने हैं घर की क्या कहते हैं ना नौकरी वाली क्या कहते हो मतलब महिला को कुछ कहते हैं कि होम कचित कहता हो गएंगे। अब जानकारी उठा लूं कि अब दलजीत राजपूत जी खेत में अब हल तो चला नहीं पता है हमारे गांव के आदिवासी जो बखर चलाते थे जो कायर हो गए हैं एक मिनट तो वो अब ट्रैक्टर पूंजीपतियों के किराए से ले लेते हैं तो किराए से खेती करते मगर ये दलजीत राजपूत जी जो ऊपर की दो कालर की बटन खोल के चलते और अपने प्रिय ठेकेदारों को स्वागत करवाते नाम लिखवाते और राजेश योद्धा बिना बोला चलो दिनेश के जान बुझ कह रहा ढाल सिंह जी हाँ अब्दुल्ला के पास भी जाओ मैं तो जाऊंगा नजारे का रूची ने कहा तो योद्धा काम भाव जी कह रहे नाश्ता कर ले मगर आप ताजिए ठंडे हो गए सर राजेश जी पता नहीं ताजी बहुत कम चल रही थी जब पुष्टि पे चलने लगी जी राघवन जी जी राजेश जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।